हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड को देखा मैंने, मतलब देखा भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड को, है ना? कहाँ देखा? बहुत पहुंची हुई चीज है आपकी गर्लफ्रेंड, मैंने देखा। कौन बोल रहा है बे? मैं कौन बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा। अबे देखा देखा किया जा रहा है तो देखा तो क्या है? देखा तो देखा तो हाँ, ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे नहीं है क्या? उलझी किरण जैसे। अबे फोन रख। हेलो, आपने लाइन तो काट दी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा किसी के साथ। अबे कौन बोल रहा है बे? कौन? तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। अबे कोई काम मेरा नहीं है। अबे कौन है यार? अबे अबे साले, अबे फोन रख, मैं दूसरी बार फोन उठाऊंगा नहीं। हेलो, आप समझ नहीं रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं और आप फोन काटते चले जा रहे हैं, गालियां देते चले जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा। अबे तब से देखा 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 किए जा रहे हैं तो देखा तो क्या करूं मैं? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अजीब हो यार, दूर तक निगाहों पे है गुल खिले। अबे कौन है तू? ये बहुत इनोवेटिव था। हेलो हेलो, तू वही है क्या फिर से फोन कर रहा है? अभी तो कितने देर से किया जा रहा था, गर्लफ्रेंड को देखा गर्लफ्रेंड को देखा, तो अभी 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 कहा है? सुन पड़ गए हो, चुप क्यों है? बोल ना बे। गुप चुप गुप चुप 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 ओ, गुप चुप गुप चुप 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 ओ, दो दिन कौन है यार? है मगर चुप के चुप के। कौन है यार? क्यों पकाया जा रहा है तब? सबको हो रही है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। प्रवीण बोल रहा हूँ। अरे इज दैट रियली यू? हाँ जी। ये कोई तरीका है यार? कर डाली पूरी। क्या कर डाली? इस पे गाना नहीं हमारे पास। हेलो, आप जेनिफर बात कर रही हैं? हाँ, कौन? मैं राघव बात कर रहा था फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, करेंटली यू आर वर्किंग इन एन एड एजेंसी। हाँ, माध्यमिक पास करे हुए तकरीबन 9 साल हो गए हैं, इफ आई एम करेक्ट। राइट। सो राइट नाउ यू नो व्हाट इज हैपनिंग, कि आज माध्यमिक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग अ सर्वे कॉल एंड वी आर रिकॉर्डिंग दीज कॉन्वर्सेशन, वी आर प्रेजेंटिंग इट ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू नो कि अगर आप कम नंबर भी स्कोर करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कम नंबर आए थे बट यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ। ओके, कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा जिसके अगर आप जवाब दे दें तो इट बी कन्वीनियंट फॉर अस। ओके, पहला ये है कि आप मन में कोई भी एक जानवर का नाम चुनिए और मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ, जैसे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया। ओके, मोर। तो मैम आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं आपको ये जॉब कैसे मिल गई। कम नंबर होने के बावजूद आपने इतना अच्छा करा लाइफ में, क्योंकि भविष्य तो आपका खतरे में लग रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा था ना कि जानवर का नाम चुनना है, तो मैंने जो ऑप्शन दिए थे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया, ये तो सारे पंछी हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा या क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा आपका? मैंने कहा ना कि हम बोर्ड की तरफ से दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि कम नंबर में भी ना बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आप अचीव कर रही हैं, यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, इजंट इट? तो मैम दूसरा सवाल ये था कि एक बोट है विच इज फुल ऑफ पीपल, ओके, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब इट्स फुल ऑफ पीपल एंड आई कांट सी अ सिंगल पर्सन। राइट, एब्सोल्युटली, हाउ इज दैट पॉसिबल? मे बी मैंने उस दिन अपने चश्मे नहीं पहने होंगे। एक्चुअली उस बोट में कोई सिंगल पर्सन था ही नहीं, सारे कपल थे, सो दैट इज व्हाई यू कुडंट सी अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। आप मजाक कर रहे? नहीं मैम, मजाक नहीं कर रहे थे, बट आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, आपको मालूम? थैंक यू। ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो? एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो यू सेइंग? जी। इससे बड़ी डम्बो देखी नहीं। रेड कलर। हर रेनबो के एंड में आपको W मिलेगा, RAINBOW। मैं फोन रख रही हूँ। सुनिए ना मैम, लास्ट क्वेश्चन मैम, मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई नो, मैथ्स का एक क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं दे रही। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है। एक साल में कितने सेकंड्स आते हैं? कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर रही है मैडम।
किसी बकलोल ने 3 crore 15 lakh गलत जवाब है वैसे मैम. साल में बस 12 ही सेकंड होते हैं, जैसे 2 January, 2 February, 2 March, 2 April, 2 May, 2 June, 2 July, 2 August, 2 September, 2 October. आप कैसे पास हो गए? 2 November, 2 मुझे पास होने की जरूरत नहीं, मुझे पास होने की जरूरत नहीं है. हेलो मैडम, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम आपकी ले रहे थे. हेलो हेलो, क्या बोलते हैं दादा? कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं, सांस की होती है. प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, मगर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है. कौन बोल रहे हैं? कौन से याद आया मेरे को? अब वो हमारी आवाज की खनक को नहीं पहचानते, अपना तो दूर, आज वो हमें पराया भी नहीं मानते. एक वक्त था जब वो हमारी सांसों की आहट से थे, हमें पहचानते. आज वो दिन है कि वो हमें देखकर आगे बाएं पीछे कुछ नहीं जानते. पता नहीं क्या लिखा. कौन बोल रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ जिनको आप दिन भर ये प्यार भरे मैसेजेस भेजते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में. अरे कौन बोल रहे हैं फिर भी दादा? व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड है, आप मेरे को पहचानते नहीं है, लेकिन आप दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाले मैसेजेस भेजते ना, ऐसी शायरी भेजते ना, बहुत अच्छा लगता है. भेजते कि नहीं? हाँ या ना बोलिएगा. हाँ भेजता हूँ. रख रख, फूल की कीमत इसे नहीं आती, उसकी कीमत इसे नहीं जाती. रख रख. लाल लाल फूलों के पीछे इतनी घनी हरियाली है और आसपास पानी की बूंदें भी चमचमाती हुई रोशनी बिखेर रही हैं और साथ ही झिलमिल करते टिमटिमाते हुए इटैलिक्स फॉन्ट में टाइम्स रोमन के 14 साइज में लिखा हुआ गुड मॉर्निंग और उसके नीचे गुलाब की डांटी पी लगा गुलाब. ऐसी खुशबूदार मैसेज सुन के कैसा लगा? मैं वही जिसे तू भेजता है इसे फॉरवर्ड मैसेजेस. आप भेजते हो ना? हाँ भाई भेजते. तो फोन रख, फोन 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 रख. डेली डेली हम लोग का खून खोलता है जब आपके ऐसे फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं. फोन रख. रख दिया, रख दिया. अभी और बाकी है, आज सब व्हाट्सएप वालों की लगाएंगे. हेलो दीदी, आज रात 12:30 to 3:30 के बीच. कौन बोल रहे भाई? पृथ्वी के पास से खतरनाक कॉस्मिक किरणें गुजरेगी. अरे आप कहाँ से हो भाई? दीदी कि आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखिएगा, नहीं तो स्विच ऑफ करके नहीं रखेंगे तो मोबाइल फटने का डर रहेगा. दीदी करा लो ये संदेश को. अगर ये ऐसा मजाक सुनिए, आप ये संदेश को रिकॉर्ड करो और 18 लोगों तक पहुँचाओ. क्यों करो भाई, मुझे क्या मिलने वाला है? 18 लोगों को फॉरवर्ड क्यों करूं मैं? ऑडियो में भेजिएगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट में तो भेजा था ना अभी 4 दिन पहले ये वाला मैसेज, और नीचे ये भी लिखा है कि मार्केट में नया आया है तुरंत फॉरवर्ड करो. है भेजा होगा? भेजा है ना? तो रख फोन, तो रख फोन, नहीं बात करनी तुझसे, रख. You get these messages on forwards daily. घर का कोई भी मेंबर ज्वाइन कर लेता, फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग भेजेगा. यूनेस्को ने नेशनल एंथम भेज दिया, कॉस्मिक रेज. वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ सच रूमर्स. प्लीज यूज व्हाट्सएप वाइजली एंड डोंट स्प्रेड रूमर. कुछ बोलना है तुमको? रख 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 रख. हेलो सीए मोहित अग्रवाल. जी 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 बताइए. सर आपने 2 दिन पहले में फ्लाइट की टिकट्स बुक करी थी, राइट? बिल्कुल करी है सर. एंड द ईमेल एड्रेस विच यू हैव गिवन ca.agrawal@gmail.com. बिल्कुल जी. आपकी ये टिकट अनफॉर्चुनेटली सर हमें कैंसिल करनी पड़ रही है, बिकॉज सिस्टम में दिखा नहीं रहा, एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है. मतलब? बिकॉज सर आपका ये जो ईमेल एड्रेस है ca.mohitagrawal81@gmail.com, इसके साथ में आई थिंक आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका लिंक्डइन अटैच्ड है इसी ईमेल एड्रेस के साथ में, ca.agrawal@gmail.com. हाँ बट उससे क्या? हाँ जी सर, तो एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है सर कि आजकल सोशल आइडेंटिफिकेशन इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीवन. आई एम श्योर दैट यू अग्री टू इट. ओके, तो आपका जो नाम दिखा रहा है ना सर, मोहित अग्रवाल के नाम पे आपने टिकट बुक किया, बट एक्चुअली में नेम इज CA मोहित अग्रवाल. हाँ बट मेरी आइडेंटिटी तो मेरे पासपोर्ट से जो होगा ना. नहीं नहीं सर, आजकल सोशल आइडेंटिटी पहले आती है, सो इट्स CA मोहित अग्रवाल एवरीवेयर. एंड अगर आप टिकट मोहित अग्रवाल के नाम पे बुक करेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा सर. कौन से रूल में लिखा है सर आपके? नए रेगुलेशन आए सर. अगर आप, मैं आपको बता देना, देखिए आपको बाद में एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी. टिकट लेकर के जाओगे आप एयरपोर्ट पे, वो देखेंगे कि मोहित अग्रवाल के नाम पे ये है और आपकी सोशल आइडेंटिफिकेशन उनके पास में रहेगी, तो आपको गेट से ही बोलेंगे निकल CA, पहली फुर्सत में निकल. नहीं नहीं हेलो, एक मिनट,
क्या बात कर रहे हैं आप? आपने यू आर नोन एज सीए मोहित। सुनिए, हम जब टिकट बुक करते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन हमसे क्या लेते हैं? पासपोर्ट या कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? गवर्नमेंट आईडी तो उसमें तो मेरा नाम मोहित अग्रवाल ही है ना। आपने इमरजेंसी एग्जिट वाली टिकट बुक करी है राइट सर? बिल्कुल करिए। एंड यू हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर हमारी एयर होस्टेस है पूजा, शी वांटेड टू टॉक टू यू। हाय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारी एयरलाइन से टिकट बुक कराई है। थैंक यू जी। और आपने आपातकालीन द्वार वाले रो की टिकट बुक कराई है? बिल्कुल कराई है। बड़ी खेत के साथ कहना चाहूंगी कि मैं वो टिकट्स आपको नहीं दे सकती। कारण? सर एक्चुअली आप ठहरे सीए, एक बार में दरवाजा खोलना पड़ता है, आप तो कर नहीं पाओगे। वो इमरजेंसी एग्जिट सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है। पूजा जी जो मैं से बात कर रही है जी, कुछ तमीज भी है, किस लेवल में बात कर रहे हैं आप? ये चीज सर हमारी जान से पहले आपकी जान आती है, अगर एक बार में आप खोल नहीं पाओगे तो बाकी लोग बचेंगे कैसे? सर वो पहले अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है सर, इसलिए हम आपको बोल रहे थे सर। नहीं 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 सर, मेरी बात सुनिए, वो किस लेवल की बात कर रहे हैं आपसे पता है आपको? मैं लाइफ थ्रेटनिंग लेवल की बात कर रही हूँ सर। कौन बोल रहा है ये? सीए मोहित अग्रवाल जी। जी सर, सीए मोहित अग्रवाल जी बोल रहे हैं। मेरे को मालूम है कि सीए की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होती है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो पास कर चुके जो पास नहीं किए उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत रिस्पेक्ट एंड प्यार है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। क्या प्रवीण जी आप? हेलो। दुकान है ना आपकी? जी बिल्कुल है जी। तो छतरी रखते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल रखते हैं। कितनी वैरायटी की छतरी है आपके पास? देखिए वैरायटी तो बहुत आती है, आप बताएं आपको कौन सी वैरायटी चाहिए। अच्छी वाली चाहिए जिसमें मतलब टिके? हमारे पास अच्छा ही होता है माल, मतलब जो टिकने वाला जो होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोकल रखते ही नहीं है, लंबा चलेगा। तो कितना लंबा चल सकता है ऐसे, आपको आइडिया कुछ बता सकते हैं आप? क्या मजाक कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ऐसे क्या सालों साल चले टिके लंबा एकदम? सालों साल तो नहीं नहीं नहीं, हमें चाहिए मतलब जो ऐसे फटे नहीं। फटेगा नहीं इसकी गारंटी देते हैं, लेकिन सालों साल चलने वाला नहीं है। हमारे तो घर में गया जो छतरी थी, हमारे दादाजी ने इस्तेमाल करी, फिर मेरे पापा ने इस्तेमाल करी, फिर पापा से लेके कभी कभार हमने भी इस्तेमाल कर दिया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इस्तेमाल करते आए छतरी। भाई साहब मेरी बात सुनिए जी, चाहते क्या हो आप? मैं तो रिंग मोड से वाइब्रेशन में डालना चाहता हूँ, पता नहीं कर नहीं पा रहा। एक मिनट, हाँ कर लिया अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो छतरी चाहता हूँ भाई साहब। और क्या छतरी तो हमारे पास है, मुझे तीन छतरी चाहिए थी। लूज नहीं देते हम लोग। तो आपके पैकेट में कितनी छतरी आती है? पैकेट में होते हैं 6 पीस। इतनी छतरी लेके क्या करेंगे? आवाज से तो जवाब लग रहे हो, यूज कर सकते हो। हमारे तो दादाजी उनकी उम्र हो गई 89, वो भी छतरी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है कि हमारा अभी छतरी लेने के पीछे कारण हो गया, जो दादाजी छतरी इस्तेमाल करते थे वो पापा को दी थी, पापा ने हमको दी, हम इस्तेमाल करते थे, फट गया तो क्या हुआ, पापा ने फिर भी उसमें सिलाई कर दी। कौन सी छतरी की बात कर रहे हो? छतरी जो बरसात में जो पानी अंदर घुसता है ना बचाने के लिए छतरी, वही। सुनिए भाई साहब, हेलो जी, हम मेडिकल स्टोर से बात कर रहे हैं। तो आप कौन सी छतरी समझ रहे थे? तो हम तो वो समझ रहे थे, दूसरी छतरी। वो क्या होता है? अब वो क्या खुल के बताए क्या? क्यों बोलने में शर्म आती है खुल के? दवाई समझ रहे थे कि आप की बात कर रहे हैं। दवाई दुकान चलाते और शब्द बोलने में भी शर्म आते। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अगली बार से अपनी तरफ से एडजेक्टिव्स ना जोड़े, उनको बोले जी जी है ना बाजी। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सदानंद दुबे बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट भी बुलाते हैं कुछ लोग मेरे को, सदानंद दुबे। Okay. आपने खबर सुनी होगी मंगलयान के बारे में? मंगलयान पे आपको गर्व है? हाँ जी बहुत गर्व है, मोदी ने इतना बढ़िया काम करा है, देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये गर्व लेकिन जो है अफसोस की बात है, 15 दिन के लिए जो है संपर्क टूटने वाला है। संपर्क टूटने वाला है? संपर्क टूटने वाला है। आप खबर नहीं पढ़ते क्या? खबर तो पड़ी थी, रंगीन पृष्ठ के अलावा भी कुछ पढ़ा गई है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है, मैं वो साइंटिस्ट होता हूँ जो बहुत ही क्लोजली इसमें काम करता हूँ। अब बात दरअसल ये है कि हम नहीं चाहते ये संपर्क टूटे, इसलिए आपसे एक बहुत ही गुजारिश है कि आपका नंबर मेरे को एक रेफरेंस के थ्रू मिला था और आपकी लोकेशन ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मैं आपको चाहूंगा कि आप अभी अभी के अभी इमीडिएटली छत पे चले जाएं। इतनी गर्मी में? नहीं, एक काम करता हूँ, मैं यज्ञ करवा देता हूँ जिससे बारिश हो जाए और आपके लिए आसान हो जाए और ऊपर आप जाके खड़े हो जाए, छई छपा छई छपा के छई कर दीजिए। हैं क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं माथुर साहब, क्या बात करते हैं आप। जा रहा हूँ मैं अभी, पहुँच रहे छत पे अभी, क्या करना है ये बताओ बचाने के लिए। स्पीकर पे डाल सकते हैं? हाँ स्पीकर पे भी डाल देते हैं। स्पीकर पे डालिए। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं जल्दी बताओ, धूप लग रही है ऊपर। कोई बात नहीं, आप जो है आपने आसमान की तरफ देखते हुए 108 बार ये बोलना है, मंगल 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 हो,
आपने सिर्फ मंगला 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 हो यहाँ तक ही बोलना। छत में खड़े हो गए, छत में खड़े हो गए 108 बार इसका उच्चारण करना है। 15 दिन क्या 5 मिनट के लिए भी संपर्क नहीं टूटने वाला। तेरे को पता कितनी गर्मी हो रही है, तो थोड़ी सी सहन कर लो। आपकी त्वचा है, कौन सी मलाई है, कुत्ते क्या हो गया, दिमाग नहीं इतनी गर्मी में ऊपर बुलाया मेरे को। तो क्या हो साले, तू आदमी ऊपर बुलाया बोल के बुलाया था, ये थोड़ा बोल के बुलाया था कि घाघरा चोली पहन रखी मैंने। अबे काय बात कर, वैज्ञानिक है तू यार, तेजाब पीले जाके तूने क्या पीले, तेजाब पीले ऊपर जाके। वो माधुरी दीक्षित वाला मंगल 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 पड़ गया तेरा मंगल मंगल यार। ये पवित्र रिश्ता देखते हो, कोई नहीं देखना पड़ गया पवित्र रिश्ता साला, मंगल मंगल करके टिकट में बुला लिया ऊपर कुत्ते। माधुरी जी, अरे चुप माधुरी जी, दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। अरे यार इतनी गर्मी आपने यार। हेलो नेताजी नेताजी नेताजी, वोट डाले अपने नेताजी को जिताए। बोलो भाई कहाँ से बोल रहे हो, मैं आप ही की आवाज बात कर रहा हूँ। आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे दिल्ली की तरक्की के लिए आपका बहुमूल्य वोट बहुत ही जरूरी है, इसीलिए कॉल करते रहते हैं साथ को। आपका वोट बहुत ही जरूरी है। तू लाला वोट कंप्यूटर नेताजी 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 नेता बोल लेना भी। हेलो, नेताजी को वोट डाले, वोट डाले वोट डाले। हेलो, याद रखें। हेलो, भागती दौड़ती दिल्ली, ओ दिल्ली नेता कौन है साले तू, कंप्यूटर वाले। हेलो, आजा बाहर आजा तेरे को देता हूँ वोट। हेलो, अरे हेलो, गाली दे रहे हो यार, कौन बोले जी। हेलो, गाली कैसे दे रहे हो, टिक टिक टिक। अब नहीं दिल्ली को लेके जाए आगे। नेताजी आप गुस्सा मत करिए, एक सेकंड नेताजी आप गुस्सा मत करिए प्लीज, प्लीज। अरे गाली कैसे दे रहा है यार, सर गाली टिक 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 को भी दिए मैं कर रहा था ना, लेकिन मेरे को कैसे दे दी इसे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है, कहाँ तू कौन बोल रहा है। मैं, आप कौन बोल रहे हो जी। मैं अभी वही बोल रहा हूँ जो तुमको बता रहा था, दिल्ली को आगे लेके चलना है यार, वोट वोट डालो तुम गाली दे रहे हो यार। भाई साहब वो मुझे तो सर, गाड़ी में सारे गाली वाली नहीं दे रहा था यार भाई साहब, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, कोई थोड़ा हल्का हल्का ऐसे गाली देते हैं। आपने ये मेरे इसको क्या कहा, टिकी 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 को, वो तो मैं कह रहा था जी वो लड़का म्यूजिक अच्छा दे रहा है पीछे, इसे और वोटें आएंगी। लड़का कोई नहीं है, हम दोनों खुद ही कर रहे हैं, मैं इनका अनुज भराता हूँ, अगले साल मैं खड़ा होऊंगा। आप जरा ये टिकी टिकी निकालो, अपनी टिकी टिकी को क्या कहा मैंने सुना, जरा निकालना जरा दिक। तेरे को तेरे घर से बाहर खींच के ले आएंगे, हम क्या बता रहे हैं तेरे को। अरे भाई साहब यार गलती होगी यार, बोल की आप ही का समर्थक हूँ, वो तो मुझे लगा कोई यार दोस्त मजाक कर रहा है। भाई साहब मैं वैसे ही डाल दूंगा यार, मैं तो आप ही का पार्टी का हूँ। नेताजी को वोट डाले, अपनी दिल्ली को आगे लेके चले। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। हेलो दिल्ली के, हेलो दो कड़क लौंडे आपका बैंड बजा रहे थे सर। यार कैसा, अरे यार वोट मांग रहे हो या बैंड बजा रहे हो यार, तुम कैसे हो। हेलो हेलो, हाँ जी भैया, ये कहते हैं सोनू बात कर रहा हूँ यार, क्या ड्रामेबाजी है। काय की ड्रामेबाजी भाई, यार ये थोड़े दिनों पहले तुमने बंदरों को केले और ये खिलाए हैं बिस्किट और सेब। किसको खिलाए बिस्किट, बंदरों को तुमने खिलाए हैं सेब केले और बिस्किट। तो भाई दो भी तो बंदर तेरे तो क्या हो गया, खिला दी तो पेट ही तो भरा मैंने उनका, भाई तू भी खा लेता उनसे लेके थोड़ा सा। भाई देखो फालतू तो बोलो मत, हमारे बंदर है यहाँ पे, बेचारों को परेशानी हो रखी है, हमारे को परेशानी हो रखी है, हमारे को कलेश निपटाने पड़ रहे हैं ना। काय के कलेश, तू बंदर भाई मुझे समझ ना आ रही क्या यार। भाई ऐसा है सुनो, हमारे बंदर है, मैं उनको डेली की डेली 10-10 रुपए दे के भेजता हूँ की ले बेटा खा लेना केले, दो केले खा लियो, एक सेब खा लियो, एक चीकू खा लियो, एक संतरा खा लियो। तुमने उस दिन केले सेब संतरे खिला दिए, उनको बिस्किट खिला दिए, उनके बाद 10 रुपए जो बचे थे, एक ने न जाने कौन से रेड़े पे जाके चौमिन खा ली, एक ने पता नहीं पैकेट वाली कोई दारू वारू पी ली, उसने पता नहीं क्या पी लिया, आगे जो दूसरा वाला गया उसने झालमुड़ी खा ली,
उनको पैसे बच रहे थे, उन्होंने बोला केले तो खाई रखे हैं, मैं कोई बात नहीं 10 रुपए का ये सामान खा लेता हूँ, अब दस्त लग रखे हैं उनको, बताना जरा। कमाल कर रहा है यार, बंदरों ने चौमिन खा लिया, बंदरों ने ये खा लिया, कैसी बातें कर रहा है यार। हमारे ट्रेंड है ना बंदर। कमाल कर रहा है यार तू, तो मेरी बात समझ में आ रहा है यार, तू क्या कहना चाह रहा है। अब क्या करूं मैं, इनको टट्टी लग रही, इनको भाई टट्टी लग रही, दवाई खिला दे, जैसे वो पी के आ रहे चौमिन चौमिन खा रहे हैं, दवाई भी खा लेंगे भाई। ऐसा है सुनो मेरी बात। हाँ भाई बोल। काम करो, राजीव चौक पे भेज रहा हूँ मैं लड़का, उसको 500 रुपए दे देना भाई। कई के 500 रुपए दे देना, टकसारी लग रही नोटों पे जहाँ से। नहीं तो भाई ऐसा है ना, इनको डॉक्टरों के पास भेजना, मेरे पास टाइम नहीं है, इनको दूंगा पैसे, अपना इलाज करा कर आएंगे ना फिर वहाँ से। तो भाई तू भेज देना इनको, मेरे से करा के ले रहा। तुम्हारी चक्कर में तो उन्होंने झाल मुड़ी वगैरह खा ली। तो भाई बंदर तो तेरे हैं। भाई ये काम कर, पैसे दे दे जल्दी से, समझ आ रही है ना भाई किस चीज के पैसे दे दे, मैं तो ना दे रहा। सुन, हेलो। हाँ बोल भाई। बंदरों को तो बिस्किट खिला दिया, अजगर भी है मेरे धोरे में यार। हाँ पैसे ले ले यार, आधे आधे कर लेना, ऐसे तू ऐसी बात कर रहा है। काला अजगर है बहुत बड़ा यार, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि पैसे नहीं दूंगा, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर थोड़े कम ले लेना यार, तू तो 500 रुपए मांग रहा है। नशेड़ी कोबरा भी है हमारे दोरे, ले लियो यार, दे दूंगा 500 रुपए यार। भाई अब माइक ऑफ करके हम हंस रहे थे, मेरे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे बैठे हुए नितिन, इसके साथ साथ अब्बास और कृष्ण है भाई, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा था भाई साहब। भाई यार क्या कर रहा है भाई, डरा दिया यार। सेवा भावना से काम कर रहे हो ना, बहुत अच्छा है भाई, ऐसे डराओगे तो नहीं कर। Hi Rishabh. हाँ Rishabh बोल रहा हूँ। Rishabh मैं दीपक बोल रहा था यार। कौन दीपक? I am sure that you won't remember. मैं यार तू सेक्शन ए में था, मैं सेक्शन बी में था। हाँ याद आया? डूड हाय ब्रदर, कैसे हो? मैं बिल्कुल मजे में यार, तू कैसा यार? मैं एकदम ठीक हूँ भाई, कहाँ यार? मैं एक्चुअली आई हैव शिफ्टेड टू मॉरिशियस एंड जस्ट कम टू कैलकटा, तो संदीप से तेरा नंबर मिला। ओके ओके भाई, राइट एकदम गुम हो गया भाई, तू तो मतलब भाई आवाज सुन रहा हूँ तेरा यार। हाँ एग्जैक्टली यार, बहुत टाइम हो गया यार इंडिया छोड़े हुए, वो बचपन वाले दिन याद आते हैं यार एकदम, मतलब बड़े कमाल के दिन हुआ करते थे। बात तो सही है भाई, हम लोग स्कूल में एक कैसे करे टिफिन झपट्टा मार मार के खाते थे। एंड इफ यू रिमेम्बर अपने मैचेस वगैरह हुआ करते थे, उसमें यार कैसे हम लोग मतलब मर मर के कोई 1 रुपए देता, कोई 50 पैसे देता, और हम लोग बॉल खरीदा करते थे। हाँ भाई, फिर वीकेंड में जाते थे हम लोग घूमने के लिए, पैसा जमा करके यार ले दे क्या, हम लोग एलियट पार्क ही तो गए घूमने के लिए। नाली नाली से वो दो पत्थर लगा करके बॉल उठाते थे, एंड उसके बाद में बॉल को अच्छे से धोते थे, हाथ भले ही ना धोए। बात तो सही है भाई, गजब गजब दिन थे यार। प्राची का चिंगम चिपका दिया यार, ची ची, उसके लिए पनिशमेंट भी मिली थी। हाँ भाई, रास्ते बाहर खड़ा कर दिया था हम लोगों को स्कूल में, जो आम का पेड़ था उसपे पत्थर मार करके हम लोग आम तोड़ा करते थे, एंड वी गॉट पनिश्ड मेनी अ टाइम्स फॉर दैट। वो पत्थर के चक्कर में शीशा भी तोड़ जाता हम लोगों ने यार। हाँ बचपन में कैसे इतना खेलते कूदते थे, धूप में काले भी नहीं होते थे, अभी तो मतलब थोड़ा सा खाता हूँ यार पूरा पेट फूल जाता है, तो आई एम हिटिंग जिम एवरी डे। ओके पता भाई, अभी यू रिमेम्बर दैट, सनस्क्रीन के पैसे नहीं हुआ करते थे, उसके लिए वो लगाना पड़ता था उस टाइम में। दीदी लोग सुला के जाते थे। तू विटामिन की गोली लेता है क्या? विटामिन की गोली विटामिन की गोली तो चल ही रही है भाई, ऐसा सरप्राइज दिया भाई, आज का दिन मेरा और अच्छा निकलेगा अभी तो। नहीं नहीं यार, अभी प्लान करते हैं मिलने का। अभी है कहाँ पे तू? मैं अभी कलकत्ता में आया हूँ यार, होटल में रह रहा हूँ मैं, तो आज ही मिलना भाई। हाँ मैं आज शाम का प्लान बनाता हूँ ना यार, याद है तेरे को मतलब बचपन में ऐसे हाथ गंदे वंदे और खाना ना खा लेते तो कुछ नहीं होता था अपने को। हाँ भाई अभी तो मेरा और बुरा हाल है पता है, सैनिटाइजर वाला भी काम शुरू कर दिया मैंने। हाँ मेरे को मालूम है, तू तो दरवाजा खोलता है उसके बाद में भी पहले हैंड सैनिटाइज करता है। ये कैसे पता तेरे को? हाँ, मेरे को सब मालूम है भाई। अब नहीं, ये कैसे पता तेरे को दरवाजे वाला? क्योंकि आपके फ्रेंड ने मेरे को आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आरजे प्रवीण? हाँ जी। ओहो ब्रदर, मुर्गा बना रहे थे क्या? नहीं मुर्गा नहीं बना रहा था आज, एक्चुअली आज नॉस्टैल्जिया में बात करते करते ना बह गया मैं, और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बचपन में वो कैसे खेलते कूदते थे, दिन भर 2.5 मन खा लेते थे फिर भी वजन नहीं बढ़ता था, नाली से बॉल निकाल करके लाते थे, हैंड सैनिटाइज नहीं करते थे, बट फिर भी एकदम परफेक्ट रहते थे। अभी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। जी प्रवीण भाई, एक्चुअली आपने इतना नॉस्टैल्जिक मेरे को कर दिया, मतलब फिर रोना ही बाकी है, मतलब ऐसे दिन याद दिला दिया आपने मेरे को, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। हेलो नमस्कार, आपने की विचित्र घटक बोलछेन? बोलछी
অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে কথা বলছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা বলেন বলেন। ये जो इलेक्शन अभी गया इसमें आपने बड़े कमाल के पोस्ट डाले थे फेसबुक पर एंड आपके पोस्ट को देखकर काफी सारे लोग इंस्पायर भी हुए थे। আর সামান্য সামাজিক কর্তব্য দাদা। তো আমরা চাইছিলাম একটা ছোট আপনার ইন্টারভিউ নেব কিন্তু ইন্টারভিউর আগে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ইন্ডিয়ার গোটা টিম আছে এখানে আমাদের প্রথম অফিসার সুপ্তরিতা খাড়া উনি আপনাকে ইলেকশন নিয়ে একটা ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ দাদা আমার প্রশ্ন হলো যে ভোট দেবার লিগাল এজ কি? এটা খুবই সহজ 18। বাহ খুব ভালো। এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ভোট দেবার লিগাল এজ কি? মেয়েদের ক্ষেত্রে কেন 21? দাদা খুব সুন্দর। এবার আমাদের পরবর্তী অফিসার কেবল মনচন্দানি উনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন আপনাকে। বড়িসাই একবার আগর আপ ভোট ডালতে হ্যাঁ আর আপকো লাগে কি ভোট বদলনা হ্যায় তো কিতনি দের মে আপ বদল সকতে হ্যায়? মানে আপনি বলছেন কি একবার ভোট দিলে ওটা আবার চেঞ্জ কতক্ষণের মধ্যে করতে পারবো? হ্যাঁ আমি যতদূর জানি আমি শুনেছিলাম এটা 1.5-2 ঘন্টা। দাদা আপনি কয়েকটা এমন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যেটা কেউ জানে না। তৃতীয় আমাদের অফিসার নরমান জোসেফ উনি আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। জব আপ ভোট দেনে যাতে হ্যায় অর আপকে ফিঙ্গার্স পে ও মার্ক দিয়া যাতা হ্যায় উসকা কালার ক্যা হোতা হ্যায় ইয়ে আপ জরা বাতায়েঙ্গে? ক্যা ও ব্লু ব্ল্যাক হোতা হ্যায়, ক্যা ও ব্ল্যাক এন্ড ব্রাউন হোতা হ্যায়, ক্যা ও ব্লু এন্ড ব্রাউন হোতা হ্যায় ইয়া ফির ব্ল্যাক এন্ড ব্ল্যাক হোতা হ্যায়? দেখুন এটা অনেকটা স্কিন টোনের উপর ডিপেন্ড করে, আরেকটা যেটা ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে নেল পলিশের উপর যদি মানে মেয়ে যদি করে তো সেটা সেই হিসাবে ডিপেন্ড করে চেঞ্জ করে যায়। দাদা বহুত কমাল। পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন জগদ্দল ঘটক। দাদা আমার এটা বলুন যে এই বছর আঙুল মানে বুড়ো আঙুল কার সিম্বল ছিল? বুড়ো আঙুল কার সিম্বল ছিল? আমি জানি জানি বলুন। এটা ওই হায়দ্রাবাদ গজেন্দ্র রেড্ডি। গজেন্দ্র রেড্ডি খুব সাই জবাব আপনা হ্যায়। শেষ প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে সম্পূর্ণ মিটির নাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কটা সিট লোকসভা ইলেকশনে লড়া হচ্ছে? 46। কিতনা বোলা? 46। কিতনা ভাই সাহেব আপকো 21 তোপো কি সালামি হ্যায় হাম সব কি তরফ সে। বহুত কমাল। আপনে বতা দিয়া ফেসবুক পর পোস্ট ডাল ডাল করকে কি আপকো কিতনা কুছ আতা হ্যায়? না দেখুন মানে কিছুই না, এটা আমি আমার সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করি, এটা আমি করি আমার সোশ্যালি যারা বন্ধু আছেন হ্যাঁ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। আপকো উন লোগো সে মিলনা বন্ধ করনা চাহিয়ে। ইলেকশন জো অভি হুয়া ইটস অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স, ইসসে খেলনা বন্ধ করে। আর জিস চিজ কি নলেজ আপকো নহি হো উসে বিনা মতলব ফেসবুক পর ইনস্টাগ্রাম পর খেলনা সে ক্রাইম করতা হুয়া ওয়ার্ড হ্যায় ও করনা বন্ধ করে। আমি জিনিসগুলো তথ্যগুলো জানি বলেই আমি দিই। দাদা বহুত আচ্ছা আপকে তথ্য। ইয়ে কিতাব জাহাঁ সে ভি আপনে খরিদি হ্যায় জরা রেড এফ এম কে সারে আরজেস কো বতা দিজিয়েগা, ঠিক হ্যায়? রেড এফ এম কে সারে আরজেস ওহাঁ সে কিতাব খরিদ করকে আপকি তরহ ইন্টেলিজেন্ট বননা চাহেঙ্গে, বাট রেড এফ এম পর মুর্গা হোনে কে লিয়ে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। হ্যালো রঞ্জিত ভট্টাচ বলছেন? হ্যাঁ বলছি। দাদা নমস্কার, আমি কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে বলছিলাম। দাদা আপনি গান করেন না? টুকটাক গান করি আর কি। আমরা ওই বর্ণ পরিচয় কে না এবার অ্যাপে নিয়ে আসছি, গান নিয়ে একটু আপনার সঙ্গে আলোচনা করার ছিল। বলুন কি। আচ্ছা দাদা বর্ণ পরিচয় ক দিয়ে কি হয়? ক দিয়ে তো অনেক কিছু, যেমন ধরুন কাক হয়। এবার এই ক দিয়ে না আমরা ওখানে একটা গান মানে রাখবো, কি গান রাখতে পারি দাদা ক দিয়ে? ক দিয়ে তো অনেক গানই হয়, কে তুমি নন্দিনী আগে তো দেখিনি। আমরা কিছু একটা সেট করে রেখেছি যেহেতু আপনি গান করেন, একটু যদি আপনি শুনে বলেন যে এটা কিরকম লাগবে যদি আমরা অ্যাপে দিই। শুনুন, কোথায় 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 তুমি 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 তুমি, এই যে এই যে এই যে এই যে আমি 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 আমি, এই আবার কি গান হলো? আচ্ছা দাদা খ দিয়ে আমরা কি গান রাখতে পারি? খ দিয়েও দেখুন মানে বাংলা বর্ণগুলোর মধ্যে খ দিয়েও অনেক রকম গান পাবেন। আমার এই মুহূর্তে খ দিয়ে মনে পড়ছে না। দাদা আমাদের এই যে বর্ণ পরিচয় অ্যাপ খ দিয়ে কিছু একটা প্ল্যান করে রেখেছি, আপনাকে শোনাই? হ্যাঁ শুনুন। খুঁজি 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 তোমায় 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 আমি আমি আমি, ঠিক লেগেছে? মানে কি গান করছেন এত কিছু মানে? না না দাদা আমরা ইয়াং জেনারেশন টার্গেট করছি তো, তারপরে আপনার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সাইন করবো। না না দাদা গ দিয়ে কি গান রাখতে পারি? দাদা গ দিয়ে অনেক রকম গান হয়, অনেক কিছু গান হয়। আমার এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে যেমন ধরুন গান ভালোবেসে গান, গান ভালোবেসে গান। এটাকে না একটা আলাদা টিউনে আমরা করার চেষ্টা করছি যাতে মানে লোকেদের কাছে আমরা করবেন। আপনারা তো ওই ধরনের ওই কোথায় খুঁজি গান ওই মুক্ত মুখ এই সমস্ত করবেন? না না দাদা এটা আলাদা আছে। আপনারা কিছু করছেন না? না না এটাতে কিছুই খুঁজছি না, এটা আলাদা আছে দাদা। না প্যারোডি আছে না কিছু একটা হচ্ছে আর। দাদা শুনুন প্যারোডি থাকবে, দাদা শুনুন দাদা গান 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 ভালো 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 ভালো।
হ্যালো হ্যাঁ দাদা আরে দাদা আপনারা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেন একদম ইয়ার্কি ইয়ার্কি মারছি না দাদা এটা কি অ্যাপ তৈরি হবে এই গান দিয়ে দাদা মে প্রবীণ বল রা থা রেড এফএম সে মুর্গা বানা রহে থে আচ্ছা 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 রেড এফএম আচ্ছা আপনাকে বলি বর্ণপরিচয় সিনেমা রিলিজ করছে 26 জুলাই এই মুহূর্তে যারা গান করছিল কোথায় তুমি খুঁজি এই ওই সেটা হলেন অর্ক এবং ধনঞ্জয় মানে আবির দা এবং যিশু তারা স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছে দাদা।